नमस्कार। नमस्ते। जन सरोकार मंच के इस संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमरनाथ भाई से। आप गांधीवादी हैं, सर्व सेवा संघ के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, ग्राम स्वराज के ऊपर आपने बहुत गहराई से काम किया है। आपका जन्म वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक में हुआ। पिता का नाम राम सुमेर मिश्र और माता का नाम सरता देवी है। बचपन की बहुत सारी घटनाएं आपकी जो पढ़ने में आती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। विशेष करके हम आज आपसे गांधी दर्शन पे बात करेंगे। ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोग भारत में जब रहते हैं, बड़े लोग, तब तो गांधी जी के बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन विदेश में जाते हैं तो वहां गांधी जी की प्रतिमाओं के सामने झुकते हैं। जैसे जापान गए वहां पे भी झुके, भारत में अमेरिका गए तो वहां भी झुके, लेकिन जब भी भारत में गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में कोई नकारात्मक बात होती है तो वो उसका जवाब भी नहीं देते, वो उनको रोकते भी नहीं है, उनके अपने फॉलोअर्स को रोकते भी नहीं है। तो ऐसा दोहरा जो व्यवहार है वो उसका ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं जी? इस संदर्भ में मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ। जी जी। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश जाते थे जी, तो गांधी जी की बात करते थे जी। तो हमारे एक मित्र ने, कुमार प्रशांत जी अच्छे साहित्यकार हैं, जेपी के साथ रहे हैं, उन्होंने पूछा कि वाजपेयी जी आप लोग तो गांधी को मानते नहीं हैं, लेकिन जब आप जाते हैं विदेश तो गांधी की ही बात करते हैं। जो जवाब दिया वाजपेयी जी ने, उन्होंने कहा क्या करें भाई, वही एक सिक्का है जो दुनिया में चलता है। तो ऐसा सिक्का है कि दुनिया में चलने वाला है, भारत में भले ही न चले आज के संदर्भ में, लेकिन भारत में भी वही चलेगा अंततः। सही है, क्योंकि जब दुनिया में चलेगा तो भारत में क्यों नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है जी। अब मैं यहाँ राजस्थान में रहता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए शांति एवं अहिंसा निदेशालय बनाया और निदेशक भी बनाया, और बहुत सारे ये संस्था है, बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, लोगों को बहुत जोड़ रही है और गांधी दर्शन को लोगों तक, नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, काम कर रही है। तो क्या भारत स्तर पे ये काम नहीं होना चाहिए? जब गांधी ही हमारी पहचान है और दुनिया में जाकर के जब हम गांधी की बात करते हैं, गांधी के प्रतिमा के आगे सिर झुकाते हैं, तो फिर भारत में ऐसा करने से क्या दिक्कत है? आपने देखा ही कि भारत में किस तरह से आज परिस्थिति है भारत की, लेकिन वहां तो उन्होंने लोकतंत्र पर बहुत बढ़िया भाषण दिया जो है पत्रकार सम्मेलन में, जैसे लोकतंत्र ही जी रहे हैं जो है, दोनों में कितना फर्क है देख लीजिए जो है। यहाँ जो परिस्थिति आज की है कि दुनिया में बोल रही है परिस्थिति, ये परिस्थिति जो है वहाँ क्या कैसे वहाँ के पत्रकार बोल रहे थे आपने देखा ही जो है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ क्या स्थिति है, वस्तुस्थिति क्या है, असलियत क्या है, और वहाँ वो क्या बोल गए जो है। लगता है कि लोकतंत्र के इतने बड़े पुजारी तो कोई है ही नहीं दुनिया में, क्यों यही हालत है, यही हालत। अभी यहाँ तो लोग बागे गांधी जी की प्रतिमा पे पुतला बना करके गोली चलाते हैं, लेकिन उसके ऊपर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हमारे जो बड़े नेता हैं देश के में जिनका नाम है, तो ऐसी, और जो गोली मारने की बात का चरित्र नहीं है कुछ लोगों का, बड़े लोगों का मजबूरी है उनकी वो चरित्र रखना, बिना उसके वो कुछ कर नहीं सकती, ये उनकी मजबूरी हो गई है। भारत में तो गांधी को गाली दी जा रही निश्चित है, बहुत सोने गांधी की हत्या की है, अब गांधी के शरीर की हत्या तो कर दिया उन्होंने, विचार का क्या है, बड़े संकट में पड़े हुए हैं वो, कि गांधी का विचार तो पूरी दुनिया में है, गांधी को छोड़कर और कोई विचारधारा ही नहीं है, तो करें क्या? भारत में सत्ता में होने के नाते दिख रही है, जिस दिन सत्ता से निकल जाएंगे उस दिन ये सब समाप्त हो जाएगा।
ठीक कहते हैं ये अपना जो नौजवान है राहुल, तो ठीक कहता है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है आज। तो अभी कुछ दिन पहले एक गांधी चिंतक से बात हुई, ये कहते हैं कि गांधी को और कांग्रेस को, महात्मा गांधी की जो संस्था है या महात्मा गांधी का जो विचार और कांग्रेस, दोनों को मिला करके बात नहीं करनी चाहिए, दोनों अलग अलग संस्थाओं की तरह बात करनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ऐसा है कि मैं भी इतना तो मानता हूँ कि गांधी के पूरी बातें कांग्रेस ने नहीं स्वीकार किया जो है, और ये बात बहुत सफाई से गांधी को भी मालूम था और गांधी के लोगों को भी मालूम था, कांग्रेस को भी मालूम था। आजादी की लड़ाई के समय के बाद जो देश आजाद हुआ, उस समय देश की परिस्थिति जैसी थी, आप देखते थे बंटवारा हुआ था, किस तरह से जो है कत्लेआम चल रहा था वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं का, यहाँ मुसलमानों का, जो सारी परिस्थितियाँ थी इस तरह की थी, उस सब में शायद बहुत सोच विचार के लिए मौका भी नहीं मिला कांग्रेस को। जो सिस्टम चल रहा था वही सिस्टम चलाने की कोशिश उन लोगों ने किया। वास्तव में गांधी को आजाद भारत इसलिए चाहिए था कि गांधी के मन में वैकल्पिक भारत की जो चित्र था, जो जी, उसको साकार करना था, उसे दुनिया के लिए था। मैं एक संदर्भ बता दूं आपको, जी, गांधी जी ने 1909 में एक छोटी सी किताब लिखी थी, अनटू दिस लास्ट का हिंदी अनुवाद किया था। गांधी ने किताब को पढ़ी, पढ़ने के बाद उस पर से उन्होंने एक हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी, उसको टॉलस्टॉय को एक कॉपी भेज दिया उन्होंने। तो टॉलस्टॉय ने उनसे कहा, गांधी जी किताब तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका नाम आपने हिंद स्वराज क्यों रखा? ये तो पूरी दुनिया की समस्या है, तो विश्व स्वराज इसका नाम रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है चूंकि गांधी जिसने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वो केवल किताब में लिख करके संतोष करने वाला आदमी नहीं था। शायद उसको लगा होगा कि देश आजाद हो, हमको आजाद भारत मिले, जिसमें हम हिंद स्वराज जो लिखे हैं उसको व्यवहारिक स्वरूप दे सकें, और तब दुनिया से कह सकें कि भाई देखो, हमने एक प्रयत्न किया है, एक प्रयोग किया है, तुम्हारे अपने संदर्भ में इसमें आवश्यक संशोधन परिवर्धन करके तुम भी अपने यहाँ इसको कर सकते हो। आज पूरी दुनिया एक बड़ी संकट में फंसी हुई है। आज सवाल जीवन और मृत्यु का है, जीवन और मृत्यु दोनों आमने सामने खड़े हैं। जो मॉडल स्वीकार किया है आज दुनिया ने, जिसके लिए गांधी ने कहा था कि ये पश्चिमी सभ्यता जो है, ये मैं कट्टर दुश्मन हूं इसका, जो उस आदमी अहिंसक आदमी ने कहा कि जो पश्चिम सभ्यता आ रही है ये कट्टर दुश्मन है, ये पाखंडी है, इस सभ्यता को जो है इन्होंने तरह तरह से जो है उसके बारे में जो हिंद स्वराज में लिखा है, उन्होंने कहा ये खुद तो मरेगी लेकिन दुनिया को समाप्त करके। तो उस सभ्यता ने आज पूरी दुनिया ने छा ली है एक तरह से, उसमें बाजारवाद और राज्य का एक तरह से कहिए कि सामंती प्रवृत्ति जो है दोनों जुड़ गए हैं, व्यापारी भी जुड़ गए हैं, ये जुड़ करके कुल मिला करके एक सेक्शन, एक विभाग बन गया है जो है हर देश में। एक तरफ जो है अमीर लोग हैं, बहुत बड़े कुछ लोग मुट्ठी लोगों के हाथ में है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ से सारी संपदा उस देश की। दूसरी तरफ जो है वैसे लोग हैं जिनके पास कुछ है नहीं, दो दुनिया बन गई है, एक अमीरों की दुनिया एक गरीबों की दुनिया। ये दुनिया चलने वाली नहीं है। दूसरी चीज कि इस विकास की अवधारणा में प्रयोग में जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है, जंगल काटे गए, पहाड़ खोदे गए, नदियों को गटर बना दिया गया, ओजोन लेयर में छेद हो गया, तेजाबी वर्षा हो रही है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है, इस साल की गर्मी आपने देखा ही, हिंदुस्तान की कई गर्मी थी, और तो ये ग्लेशियर हिमालय के पिघल रहे हैं, चिंता हो रही है लोगों की पानी कम मिलेगा आगे जो है, आए दिन तरह तरह के तूफान भूकंप, और जिस तरह से जो है हमारे यहाँ परिस्थितियाँ जैसे बदल रही हैं तेजी के साथ जो है, बीमारियाँ कितनी तरह तरह की आ रही हैं,
भारतवर्ष तीन बीमारियों से परिचित था, प्लेग, हैजा और चेचक, तीनों से निपट लेता था। अब तो हर दो तीन साल के बाद एक नई नई बीमारी आ रही है, पूरी दुनिया में आ रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जीवन और मृत्यु आमने सामने आज खड़ी है। जो कुछ धरती के अंदर है हम उसको बेतहाशा खींचते जा रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, पानी, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जो कुछ है ये सीमित है, ये बाल्टी भरा पानी है, ये झरना नहीं बह रहा है। ये कि आप खींचते जाएंगे झरना भी सूख जाएगा जो है। तो ये बाल्टी भरा पानी है, अगली पीढ़ी का क्या होगा? आप बेरहमी से, चूंकि विज्ञान हाथ आ गया है, टेक्नोलॉजी हाथ आ गई है, तो आप बेरहमी से खींचते जा रहे हो। अरे वैज्ञानिक तो कहने लगे हैं कि इतने साल में कोयला खत्म हो जाएगा, इतने साल में पानी खत्म हो जाएगा। आज हमने कहीं पढ़ा, मैं कह रहा था कि परिस्थिति ऐसी हो गई है आज, जैसा मैंने कहा कि आज आमने सामने हम जीवन को साथ लेते हैं कि मृत्यु का आलिंगन करते हैं, क्या करेंगे ये आज पूरी दुनिया पर निर्भर है। गांधी अकेले नहीं थे, रूसो थे, थोरो थे, क्रपटकिन थे, रस्किन थे, टॉलस्टॉय थे, रोमारोला थे, ये सारे मानववादी दार्शनिकों को बड़ी चिंता हुई जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी साथ में आ गई और पूंजीपतियों के हाथ के शासन शोषण का एक हथियार मिल गई। इससे देखकर लोगों को लगा कि जो ग्रेट प्रॉमिस किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा कि दुनिया में स्वर्ग उतर आएगा, तो स्वर्ग तो नहीं आएगा, इस रास्ते नर्क जरूर बन जाएगी दुनिया। और आज वो स्थिति व्यवहारिक हो रही है। ऐसी परिस्थिति में गांधी ने जो है वो हिंदू स्वराज जो किताब लिखी और इन सारे मानववादी दार्शनिकों के साथ उनके आपस की बातचीत होती रही जो है, और उसमें से वो चीज, वो प्रयोग इसलिए चाहते थे आज़ादी, कि हमको आज़ाद भारत मिले अपने नए प्रयोग के लिए। आज अंग्रेज चले जाए, हम कुर्सी पर बैठ जाए, ये गांधी की आकांक्षा नहीं थी, उनकी इच्छा नहीं थी, उनका सपना नहीं था। वो आज़ादी तो इसलिए चाहते थे कि हम नया प्रयोग कर सकें, हिंद स्वराज में जो कुछ लिखे। वो मौका गांधी को मिला नहीं। गांधी की तीन गोलियां केवल गांधी के शरीर की हत्या नहीं की, एक बड़े नए प्रयोग जो दुनिया की बड़ी बहुत संभावना था, दुनिया के भविष्य का, वो संभावना ही खत्म कर दी गई। जी, गांधी जी शरीर की हत्या पे हो, गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज की कल्पना की थी वो तो सफल नहीं हो पाई। बड़ा आज तो स्थिति ये हो गई है कि पूंजीवाद ही ज्यादा हावी हो गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था तक को हमने छोड़ दिया, समाजवाद तो बहुत दूर की कोड़ी हो गई। वास्तव में गांधी तो समाजवाद और जो विकास का अवधारणा थी पश्चिमी, उस दोनों के विकल्प की बात सोची थी, यानी कहिए तो पूंजीवाद के विकल्प की बात। और आज तो पूंजीवाद नहीं है, आज तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया है जो है, पूंजीवाद से और आगे बढ़ गया है आज की। ऐसी स्थिति में गांधी ने दोनों के विकल्प की बात सोची थी। मार्क्स की बहुत देने जो है गांधी के लिए वरदान थी, लेकिन कुछ बातें गांधी को आगे जाकर सोचना पड़ा जो है, क्योंकि मार्क्स में आर्थिक अवधारणा मार्क्स के समझ में कुछ आई नहीं। तो उन्होंने समता वगैरह की बातें कही, लेकिन कुल मिलाकर के वही बड़ी पूंजी, बड़ा उत्पादन, तो वहां उपनिवेश की इच्छा, उसका बाजार, कुल मिलाकर के आर्थिक स्वरूप यही बन गया साम्यवाद का भी जो है, जो हम रूस और चीन में देख रहे हैं कि वहां आज तो पूंजीवादी देश जैसे बन गए, उनकी हालत हो गई है जो है। तो यही स्थिति देखते हुए गांधी ने इसके विकल्प की बात भी सोची, इसलिए गांधी को मौका मिला इन दोनों को देखने का, सुनने का, समझने का, इससे थोड़ा आगे जाकर। मैं मानता हूं कि क्रांतिकारियों में कोई अलगाव नहीं है, एक क्रांतिकारी क्रांति की डोरी को लेकर आता है एक स्थिति तक जहां तक पूछता है उसको, दूसरा क्रांतिकारी आता है उससे आगे उठाकर चलता है जी। तो इस तरह से गांधी को भी बहुत सारा प्रकाश मिला इन लोगों से, और उस संदर्भ में उनको परिवर्तन करने की संभावना बनी, इसलिए उन्होंने भारत में ग्राम स्वराज की बात कही। न्यू है ना, गांव तो न्यू है जी, तो न्यू मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा जो है।
ये तो दिल्ली मजबूत होने से नहीं काम चलेगा, काम तो 6 लाख गांव बदलेंगे तब काम चलेगा ना, प्लिंथ यहाँ है। और गांधी ने केवल गांव की बात नहीं कही थी, गांधी ने एक बात कही थी, उसने एक सर्कल की बात कही थी कि एक सागर वृत्त बनेगा जो व्यक्ति से लेकर के विश्व तक जाएगा। आप तालाब में ढेला फेंक देते हैं तो एक रिंग बनती है उसके चारों तरफ, और वो केंद्र से लेकर जहाँ ढेला डाला है वो रिंग बनते बनते किनारे तक आ जाती है। तो उन्होंने गांव से लेकर ही नहीं, व्यक्ति से लेकर के विश्व तक की कल्पना की थी। जो आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है, जी सही, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष तो भारत की धरती पर हुआ, बिल्कुल सही, लेकिन पश्चिम के विज्ञान ने टाइम एंड स्पेस की दूरी खत्म कर दी, आज दुनिया को नजदीक ला दिया। दुनिया बहुत छोटी हो गई। मैं कभी कभी विद्यार्थियों के सामने बोलता हूँ कॉलेज में, तो कहता हूँ कि भैया ऐसा समय आ जाएगा तुम्हारे आने तक कि दिल्ली से यदि सुबह का नाश्ता करके उड़ोगे तो दोपहर का भोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में कर लेना, शाम की चाय लंदन में पी लेना, रात का भोजन वाशिंगटन में कर लेना, वहां क्यों सोना, मास्को जाके सोना। जब पड़ोसी बन गई दुनिया तो पड़ोसीपन आना बड़ा जरूरी हो गया। पड़ोसीपन नहीं आएगा तो पड़ोसी बनना बड़ा खतरनाक है। पड़ोसी बनाना तो विज्ञान के बस का था, लेकिन पड़ोसीपन लाना विज्ञान के बस का नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात, वो आध्यात्म के बस की बात है। जिनोबा जी ने एक बड़ा बढ़िया सूत्र दिया कि यदि विज्ञान राजनीतिज्ञों के साथ जाएगा, विज्ञान प्लस राजनीति इज इक्वल टू सर्वनाश, और विज्ञान के साथ आध्यात्म जुड़ेगा तो सर्वोदय होगा, सबके उदय की बात हो सकती है। तो विज्ञान आध्यात्म के साथ जुड़ना चाहिए, राजनीति के साथ जुड़ेगा तो एटम बम बनेगा। और आज जो हो रहा है, यानी आज भी पश्चिमी देश यही प्रयोग कर रहे हैं कि कितने मारक हथियार बनाए जाएंगे, सही है, और हम खरीद रहे हैं उस मारक हथियार को, बिल्कुल सारी दुनिया के लोग खरीद रहे हैं, उनका व्यापार ही टिका हुआ है, सारा आर्थिक तामझाम उनका टिका हुआ है इसी हथियार के व्यवसाय से। तो ऐसी हालत में, और अब जो है हथियार छोटे नहीं है, हथियार बहुत बड़े बन गए हैं, अब हथियार का प्रयोग करना माने दुनिया का विनाश। किसी ने यहाँ से शायद राम मनोहर लोहिया का नाम लिया, किसी ने मुझे बताया कि गए तो आइंस्टीन से उनकी बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि सदी की दो देने हैं आपका अणुबम और गांधी की अहिंसा, इसमें मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि भविष्य किसका है। छूटते ही जवाब दिया आइंस्टीन ने कि निश्चय गांधी की अहिंसा का। हमारा हथियार जो है ये युद्ध का हथियार नहीं है, ये विनाश का हथियार है। ये नागासाकी और हिरोशिमा का बच्चा जो बम था वो नहीं है, ये विशाल बम बन गया है। और आज दुनिया में जो है, आज दुनिया में जब लड़ाई होगी तो ये बम फूटेंगे ना, जो दुनिया के गोदामों में रखे गए हैं कब तक रखे रहेंगे वहां। और दुनिया में जब लड़ाइयां होगी, तीसरा महायुद्ध होगा जब, तो तीसरा महायुद्ध होगा तो दुनिया इसके बाद बचेगी कि नहीं, यही सवाल है। सही बात है, जो मैंने आपसे कहा कि जीवन और मृत्यु का संघर्ष है सामने आज जो है दुनिया के सामने, और गांधी ने उसी का उत्तर देने की कोशिश की, उसी का विकल्प ढूंढने की कोशिश की। और जैसा मैंने कहा उसने सर्किल की बात उन्होंने कही थी कि बिंदु से लेकर के जो है विश्व तक की कल्पना की थी। जी, हमारे देश में हम देखते हैं कि गांधी विचारों को तो कमजोर किया ही जा रहा है। गांधी के द्वारा बनाई गई कुछ संस्थाएं या गांधी जी के जो आश्रम है उनको भी कमजोर किया जा रहा है, उन पे भी कब्जा किया जा रहा है। तो ये और विदेशों में जाकर गांधी गांधी करते, तो ये क्या स्थिति है, कैसे कैसे लड़ सकते हैं ऐसी स्थिति में? वास्तव में जिसने गांधी के शरीर को बर्दाश्त नहीं किया
वो गांधी के विचार को कैसे बर्दाश्त करेगा। बात तो उनको मौका आया है गांधी के विचार को भी समाप्त करने का, लेकिन वो कर नहीं सकेंगे कि बहुत व्यापक है। देख ही रहे हैं आप ही ने कहा कि वहां तो फूल चढ़ाते हैं और यहाँ तो गांधी को क्या स्थिति करते हैं, तो जवाब यही कर रहे हैं। तो यही समझिए जो है कि कुल मिला करके आज के लोग तो गांधी से बहुत डर रहे हैं आज भी, लेकिन क्या बताएं। वो गांधी तो कहा था कि मैं मरने के बाद भी चुप नहीं रहने वाला हूं, मैं तो अपने कब्र से बोलूंगा जी। और दुनिया को भी आज बचना है। मुझे आज दिनकर की चार लाइनें याद आती है जी। गांधी की लो शरण, गांधी की लो शरण, बदल डालो मिलकर संसार, नहीं रहो कल की के हाथों कटने को तैयार। बस यदि कल की के हाथों कटने को ही तैयार रहना है तो रहे दुनिया समाप्त होगी, फिर कोई दुनिया बनेगी। वे बहुत सुंदर ये दो लाइनें उन्होंने लिखी है। गांधी की लो शरण, बदल डालो मिलके संसार, नहीं रहो फिर कल के हाथ से कटने को तैयार। बिल्कुल सही। जो साबरमती आश्रम के का स्वरूप बदल रहे हैं, साबरमती आश्रम का जो स्वरूप बदलने का प्रयास किया जा रहा है और काम भी चालू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या गांधी जी की जो संस्था है, गांधी के नाम की जो संस्था है, वो खत्म नहीं हो जाएगी? देखिए विचार तो नहीं खत्म होगा ना। संस्थाएं खत्म होगी, संस्थाएं खत्म होंगी। उसी में से जिस गुजरात विद्यापीठ पर हैंड ओवर तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया जी, जो उन लोगों ने विरोध किया उसका, वो तो जिंदा है, रहेंगे, वो परंपरा चलेगी। गांधी गांधी फाइव स्टार होटल वाले नहीं थे, गांधी तो झोपड़ी वाले थे। सही बात। गांधी का एक संदेश था, गांधी का संदेश था कि यदि थोड़ा थोड़ा करेंगे, जीवन को सादा रखेंगे तो सबको मिलेगा, और यदि कुछ ही लोग अपने लिए जीवन को जो है बहुत वैभवशाली बनाएंगे समृद्धि की दृष्टि से भी, तो कुल मिलाकर कुछ लोग जो है, जैसा हमने कहा कि कुछ लोग जो है कि खाने की रोटी भी नहीं रहेगी कुछ लोगों के पास, ऐसी स्थिति में गांधी की झोपड़ी सेवाग्राम की कुछ संदेश दे रही थी। गांधी की लंगोटी में कुछ संदेश है, गांधी की झोपड़ी में एक संदेश था कि यदि हम जीवन में कम से कम उपयोग करेंगे तो सबको मिलेगा, सही बात, और यदि सबको नहीं मिलेगा तो दुनिया शांति पूर्वक रह भी नहीं सकती, सही बात। तो उस संदेश को जो नहीं समझेगा उसको फाइव स्टार होटल ही खड़ा करना चाहेगा जो है, तो हमें लगता है कि वो फाइव स्टार होटल खड़ा किया जाएगा। सेवन स्टार की बात मैंने तो कहीं सुना कि सप्तर्षी सात स्टेक वाला जो है वहाँ खड़ा किया जाएगा, और क्या क्या सारा होगा जो है, जो जीवन में दर्शन है उनके वही है जो है, वो सारा वहाँ नजारा खड़ा होगा। गांधी ने तो अपनी झोपड़ी से एक संदेश दिया था, गांधी अपनी सादगी से एक संदेश दिया था। आपने कहा था शुरू में कि गांधी कैसे विकल्प हैं, गांधी ने नया क्या दिया जो है, तो मैं आपसे संक्षेप में कहना चाहूंगा जो है, आपने अच्छा सवाल किया था शुरू में, बातों बातों में हम लोग आगे बढ़ गए जो है। शुरू करें उस बात को। जी जी बिल्कुल। तो पहली बात तो है कि गांधी ने शांति शब्द दिया, अहिंसा शब्द दिया जी। दुनिया में हिंसा का प्रयोग तो काफी हो चुका था। हम फ्रांस की क्रांति हुई थी जी, जिसमें बहुत सुनहले नारे लगाए गए थे इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी का, स्वतंत्रता समानता भाईचारे का, लेकिन स्वतंत्रता समानता भाईचारे के उद्घोष को पूरा करने के लिए बड़ी भयंकर हिंसा अपनाई गई थी, क्योंकि उतने सोफिस्टिकेटेड हथियार नहीं थे जितने आज हैं, तो बहुत ही क्रूर हिंसा के द्वारा जमींदारों को खत्म किया गया, बड़े बड़े लोगों को खत्म किया गया, जो दो दुनिया बन गई थी। तो स्वतंत्रता समानता भाईचारा तो इसमें से नहीं निकलेगा, निकला नेपोलियन बोनापार्ट जैसा तानाशाह, तानाशाही में सब कुछ मिले जाए, शायद जो है सोने के कटोरी में जो है दूध भात खाएगा आदमी,
लेकिन रहेगा पिंजरे में ही जो है। आजादी तो नहीं मिल सकती कहना सही, और नहीं मिली आज तक भी, संकट ही है वहां। दूसरी लड़ाई हुई थी रशिया में, सोवियत टू द पीपल, सोवियत टू द पीजेंट, सोवियत टू द वर्कर। जनता का राज होगा, किसानों का राज होगा, मजदूरों का राज होगा, राज तो कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही का है। और रशिया को आप देख रहे हैं कि पुतिन ने तो आजीवन राष्ट्रपति रहने का तय कर लिया वहां जो है, ये दिशा है। कहां गया किसान, कहां गया जनता, कहां गई लोग, मजदूर कहां गए। तो हिंसक लड़ाइयों से हम पार नहीं पाए। किसी कवि ने ही कहा है, तुम शांति नहीं ला पाए युद्धों के द्वारा, तुम शांति नहीं ला पाए युद्धों के द्वारा, अब फेंक जरा तलवार प्यार लेकर देखो। सच मानो विजय तुम्हारी ही होगी, दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। ये दुश्मन को अपना हृदय देना क्या होता है, ये गांधी ने किया भी था, सिखाया भी था, वही हम भूल गए हैं। तो गांधी ने अहिंसा की बात कही, शांति की बात कही। गांधी ने एकादश व्रत की बात कही, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य असंग्रह, शरीर सम अस्वाद सर्वत्र वर्जयेत। उसने उन्होंने बहुत सारी 11 बातें जोड़ दी जो है, एकादश व्रत समाज के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी एक नया समाज बनाने की दृष्टि से। उन्होंने सत्याग्रह का हथियार दिया, एक नया हथियार कि हमें, और दिया ही नहीं हथियार, करके दिखाया जी। अंग्रेजी सल्तनत को ठीक है, मैं मानता हूं कि रहा होगा कुछ योगदान जो है भगत सिंह वगैरह का भी, लेकिन बंदूक से तो नहीं हुआ। कहा तो यही जाता है कि गांधी की अहिंसा जो है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क ढन्ना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और मैं भगत सिंह की बात आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि इनकलाब क्या हथियार जो है वो बंदूक पिस्तौल पर तेज नहीं होता है, वो विचारों पर उसकी शान भरी जाती है। तो वो भी एक जज्बात था, नौजवान थे, कर बैठे, लेकिन उन्होंने उनकी आस्था नहीं थी वहां जो, आस्था तो एक थी शांति और अहिंसा से ही होगा। तो जो कुछ गांधी ने दिया दुनिया के लिए जो है, ये कई बातें, जैसे मैंने कहा सत्याग्रह दिया, अहिंसा दिया जी। बिल्डिंग फ्रॉम बिलो, नीचे से शुरुआत हो, जो अंतिम व्यक्ति है समाज का उससे शुरुआत हो। ग्राम स्वराज सर्वोदय का संकल्प बताया कि सर्वोदय होगा, सबके उदय की बात कही, कोई छूट न जाए। अंतिम व्यक्ति का उदय होगा तब तो समाज मजबूत बनेगा। यदि अंतिम कड़ी कमजोर रह गई किसी जंजीर की, तो जंजीर किसी काम नहीं आएगा। जंजीर में चाहे 5 किलो की कड़ी लगा लीजिए, लेकिन जहां एक छटाक की कड़ी है वहीं से टूट जाएगी वो जंजीर। तो सर्वोदय की बात कही, बहुउदय की बात नहीं कही, सर्वोदय की, सर्वोदय की बात कही। पश्चिम में, पश्चिम में एक विचार आया कि अधिक से अधिक लोगों का भला, गुड, अधिक से अधिक लोगों का भला, अधिक से अधिक लोगों का नहीं, सर्व लोगों का भला। जो छूट जाएंगे वो समाज को चैन से नहीं रहने देंगे। सही बात है। तो उन्होंने एक कदम और आगे गए, सर्वोदय की भला, विचारों की, विचारों का कौन सा विकास हुआ है उसके अनुसार समाज बन नहीं पाया है, क्योंकि बनाने वाले ही बेचारे नहीं रह गए जो है, तो बने कैसे, और उनके खिलाफ भी जाने वाले तैयार हैं आज। तो अमरनाथ भाई विचार जी, अमरनाथ भाई सोशल मीडिया पे गांधी जी को लेकर के बहुत ज्यादा दुष्प्रचार किया जा रहा है, असत्य के प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन गांधी जी को जो मानने वाले लोग हैं वो उसका बराबर जवाब नहीं दे पा रहे, उनकी बात जो अब प्रचार करने वाले लोगों की बात ज्यादा जोर से कही जा रही जी। कभी कभी तो गांधी के बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं जी, जिसको हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं जी। जी वही इतनी गंदी बातें कही जा रही हैं, प्रचार कैसे, एक अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए जो है जी।
लेकिन गांधी पर कोई कलंक तुम्हारा दिया हुआ टिक नहीं पाएगा जी, उसका कोई मतलब मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये अपने मन की जो इनके मन की दुर्भावना है उसको प्रकट कर रहे हैं, जो है अपना परिचय दे रहे हैं, वो गांधी का परिचय नहीं दे रहे हैं। मनुष्य कहाँ तक गुणात्मक बातें बोल सकता है, वो मानवीयता है कि नहीं उस आदमी में, राक्षसी पर नहीं है जो है, वो अपनी परिचय दे रहे हैं। गांधी पर तो क्या होगा जो है, वो तो दुनिया में आज दुनिया का दिशा देने वाला एक आदमी दिखता है लोगों को। दुनिया में किसी ने, दुनिया के एक आदमी का जन्मदिन जो है विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का तय किया हो, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यूएनओ ने, एक आदमी का नहीं दुनिया में केवल गांधी का, यानी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यूएनओ, और उसने तय किया कि गांधी का जन्मदिन हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। बिल्कुल सही। तो गांधी पर यदि बौना पहाड़ पर थूकेगा तो धूप तो उसी पर आएगा ना। हाँ बिल्कुल सही सही बात है, तो वही होने वाला है। बौना पहाड़ पर थूक रहा है जो है, थूक पहाड़ पर नहीं पहुंचेगा, लौट के उसके ऊपर आने वाला है, उसके ऊपर आएगा। सही बात है। महात्मा गांधी को हटा करके क्या सावरकर को विचारधारा को भारत में की जनता है वो स्वीकार करेगी क्या? ऐसा लगता है कि सावरकर की जो विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसको तो कैसे स्वीकार करेगी, जो कि भारतीय जो परंपरा है, संस्कृति है, उसमें तो अहिंसा ही स्थापित है, तो हिंसा कैसे स्थापित हो जाएगी? देखिए, एक पाकिस्तान इन्हीं लोगों ने बनाया था जी, सावरकर की विचारधारा ने ही एक पाकिस्तान बनाया हिंदू। हाँ, क्या भारत की जनता है, जो आम जनता है, वो तो सांस्कृतिक रूप से हजारों सालों से अहिंसा को स्वीकार करती रही है। भारत के बीज में है ये तो अहिंसा, बुद्ध से लेकर के और अब तक में, तो ऐसे में सावरकर की जो विचार, हिंसा के विचार है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसकी सफलता कितना लगता है कि कितना टाइम तक रहेगी? देखिए, भारत यूनान मिश्र रोमा से मिट गए, जहां से कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो जो बात है उस बात को जो नहीं समझेगा वो सावरकर की ही भाषा बोलेगा जी। बात यह है, हमारे यहाँ उद्घोष हुआ सर्वप्रथम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं तू भी ब्रह्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ कभी खंड का चिंतन नहीं हुआ है, सर्व का चिंतन हुआ है, सर्व का चिंतन जी। सर्वे भूत ही तेरता, सर्व भूत ही तेरता, सबकी बात कही गई है इस देश में, यहाँ तक कि मैंने कहा आपसे कि क्या वो जो है ना वसुधैव कुटुंबकम की बात यहाँ कही गई भारत की धरती पर, विज्ञान ने बाद में उसको साकार कर दिया, ये मैंने आपसे कहा, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की बात तो यहाँ कही, जो वसुधा को जिसने कुटुंब माना उसके लिए भारत में ही रहने वाला दूसरा कैसे हो जाएगा? तो एक पाकिस्तान तो इन लोगों ने बना दिया, सावरकर ने ही कह दिया कि टू नेशन थ्योरी की बात जब चलाया तो जिन्ना को एक आधार मिल गया, इन्होंने बात कही कि टू नेशन थ्योरी, भारत में जो है दो राष्ट्र के लोग एक साथ नहीं मिल सकते जो है, दो आस्थाओं के लोग, तो जिन्ना ने कहा कि बहुत अच्छा है, आपने तो कही दिया है, तो आपके साथ कैसे रह सकते हैं हम, इसलिए जो है पाकिस्तान बनना ही चाहिए। तो सावरकर को श्रेय जाना चाहिए पाकिस्तान को, न जिन्ना को ना चाहिए, गांधी बेचारे को तो मालूम भी नहीं हुआ कब बट रहा है जो है, और मजबूरी थी सरकार की, सरकार करेगी क्या, एक तरफ जिन्ना तैयार, तरफ सावरकर हिंदुवादी लोग तैयार, माउंटबेटन तैयार बैठे ही हुए थे जो है, जहां से भी गए तहां से बांट के ही गए वो, तो ऐसी परिस्थिति में देश बटा। ये 25 करोड़ लोग जो होंगे आज देश में, 20-25 करोड़ जो भी हों, ये जाएंगे कहाँ? इनको कहीं समुद्र में डुबो दोगे आप?
एक पाकिस्तान और दे दो जो है, बांट दो, नहीं बांटने का ही काम कर रहे हो तुम, जोड़ने का काम तो कर नहीं सकते, जोड़ना तो तुम्हारे बस में है नहीं, न वो विचार है, न वो शक्ति है, न वो तुम्हारे मन में भावना है। तो एक पाकिस्तान बनाए हो, दूसरा बना दो, दे दो 25 करोड़ इनको, कर दो बाहर। ये दीवा स्वप्न है इनकी, सोच जो है दीवा स्वप्न है, इससे अधिक कुछ नहीं है, कतई नहीं होने वाला है जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान, जो मैंने कहा आपसे यूनान मुश्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, यही बात है जो है कि यहाँ सर्व का चिंतन हुआ है, खंड का चिंतन नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा इसको विरासत है हमारी जो है जी, यहाँ जो है मैं तो कहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनि कैसे थे, कि कैसी भाषा बोली उन्होंने, कैसे हमको दे गए जो है वो सारी विरासत को जो है, और हम उस विरासत को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इनके सामने तो हिटलर मुसोलिनी का दर्शन है, इनके सामने तो इटली और जर्मनी का कनेक्शन है। आज कोई लिख रहा है, आजकल देख रहा हूँ हिटलर कनेक्शन क्या है इनका, और जर्मनी कनेक्शन क्या है, और इटली कनेक्शन क्या है इनका जो है। तो बहुत लोग कहने वाले भी हैं इनके साथ विरोध में भी जो है, ये अकेले सर्वे सर्वा नहीं है कि हिंदुस्तान बदल देंगे जो है, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, ये कितने होंगे जो है। और जोड़ने का काम, जोड़ने का काम होगा, तोड़ने का काम नहीं होगा। वो कहता है राहुल अभी कह रहे कि हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। तो जोड़ने वाले तोड़ने वाले जो हैं, आप किसका साथ देंगे, जिससे पूछिएगा कहेगा हम जोड़ने वाले का साथ देंगे। हाँ, सभी सभी मोहब्बत की दुकान में ही जाएंगे, नफरत की दुकान में कौन जाएगा। ये तो भारत के DNA में है जोड़ना जो है, तोड़ना नहीं है इसके DNA में, जोड़ना है जी। अरे ये तो ऐसा देश है, विषधर नाग को भी पंचमी के दिन दूध और लावा खिलाया जाता है। सही बात है। यहाँ तो आज पंचवर्षीय क्या ये पर्यावरण का सवाल खड़ा होता है ना, मैं कहता हूँ कि भारत के लोग कैसे रहे होंगे, यहाँ एक ही माँ नहीं है, पंच माताएं हैं जी। जन्म देने वाली तो माँ है ही, धरती भी हमारी माँ है, गंगा भी हमारी माँ है, तुलसी का पौधा भी हमारी माँ है, गाय भी हमारी माँ है, बिल्कुल। तो सप्त माताएं यहाँ है जो है, इन माताओं को जो है, यही तो पर्यावरण है। कोई गांव का स्त्री पुरुष नहा धो करके एक लोटा पानी डालता है नीम के पेड़ पर और पीपल के पेड़ पर, वो नहीं जानता कार्बन डाइऑक्साइड क्या है और ऑक्सीजन क्या है जी, लेकिन कितने श्रद्धा भाव से एक लोटा पानी नहा करके नीम के पेड़ पर और पीपल के पेड़ पर डाल रहा है। ये दोनों पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले। ये कहाँ ऐसी संस्कृति मिलेगी जो है, और यहाँ जो है हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जो है, इतनी विशाल संस्कृति जहाँ की रही हो, जो विश्व की ही कल्पना की हो कभी। और मैंने कहा आपसे कि आज तो बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया को विज्ञान ने बहुत नजदीक ला दिया, दुनिया को पड़ोसी बना दिया, और पड़ोसीपन विज्ञान नहीं बना सकेगा, पड़ोसीपन अध्यात्म लाएगा। इसलिए हम दुनिया को जोड़ने की बात कर रहे हैं, दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक कुटुंब बन जाएगी जो। गांधी जी के शिष्य हैं विनोबा जी, अब नहीं है, उन्होंने एक बहुत अच्छा उद्घोष दिया कि आप जय हिंद तो हो ही, लेकिन जय जगत कहने का समय आया जी। हम तो जगत के साथ हैं, यदि जगत नहीं बचेगा तो हिंद कैसे बचेगा। सही बात है। तो आज तो जय जगत एक तरफ जय जगत होने जा रहा है, दुनिया एक होने जा रही है, दुनिया एक परिवार बनने जा रही है, और एक तरफ हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हंसी आ रही है इस सोच पर। सही बात है। हमारा जो इतिहास अभी लिखा जा रहा है, उसको बगैर गांधी के लिखा जा रहा, गांधी है ही नहीं ऐसा लिखा जा रहा, बिल्कुल। तो क्या बिना मर्यादा के, बिना आदर्श के, बिना नैतिकता के भारत कैसे विकसित हो सकता है।
जब सरकार बदलेगी तो एक काम उसको और मिल गया है कि इस पे मिटाएगी फिर नया लिखेगी सही सही। सरकार के पास बहुत सारे काम देके जा रहे हैं, एक काम ये भी देके जाएंगे जो कि फिर से तुम इतिहास लिखो जो असली इतिहास है, तो सही इतिहास फिर से लिखा जाएगा, एक काम और बढ़ जाएगा सरकार का। सत्य तो सत्य ही रहेगा नहीं। ये नेहरू का नाम मिटाना चाहते हैं, नेहरू को चूंकि कभी फैसिज्म पसंद हुआ नहीं जो है, नेहरू गए जर्मनी लेकिन हिटलर से मिले नहीं जो है, तो नेहरू पर बड़ा आक्रोश इन लोगों का है कि ये तो हमारे विचारधारा से बिल्कुल जो है समाप्त कर देना चाहते थे नेहरू जो है, तो इनको नेहरू का नाम कैसे मिटा दिया जाए जो है। इतिहास में नेहरू का नाम मिटाना कल्पना कीजिए कैसे संभव है जो है, हंसी आती है बच्चों जैसे कार में लोग कर रहे हैं जो है या पागलों जैसे कर रहे हैं। सही बात है। अमरनाथ भाई आपसे बात करके बहुत नई बातें भी पता लगी, बहुत सारी नया भी जानकारी मुझे भी मिली और जो भी इसको सुनेंगे उनको भी मिलेगी। आप हमारे जो गांधी विचारों पर चढ़ने वाले लोग हैं या इस देश के डीएनए में तो गांधी है, सभी गांधी को मानते ही हैं, आम आदमी तो गांधी को मानता है भले कितना भी दुष्प्रचार कर लो, लेकिन गांधी की तो महिमा कोई कम नहीं हो रही, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि गांधी को जीने की कोशिश किया जाए जी, पढ़ने की कोशिश तो वो ही जो है, मैं दो किताबें इस समय कह सकता हूँ खासकर नौजवान लोगों को पढ़ने के लिए जी, जी। एक तो गांधी की आत्मकथा, सत्य के विश्व में सबसे अच्छी आत्मकथा मानी गई है पूरी दुनिया जी, में जी। एक तो वहाँ गांधी की आत्मकथा और दूसरा गांधी का ये किताब जिसकी चर्चा मैंने आपसे की, अंटू दिस लास्ट का जो अनुवाद किया जो है सर्वोदय उसकी जी। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ बहुत छोटी छोटी चीजें भी जो है, सर्वोदय की बात कर रहे हैं। सर्वोदय, सर्वोदय, सर्वोदय नहीं, मैंने नाम दिया था उसका हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जी, हिंद स्वराज और गांधी की आत्मकथा। हिंद स्वराज गांधी की किताब है और गांधी की आत्मकथा। मैं नई पीढ़ी को संदेश दूंगा कि उनका जमाना जो आएगा, उनकी जो अगली पीढ़ी आएगी वो कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, अपने लायक दुनिया उनको बनाना है, अपने लायक उनको हिंदुस्तान बनाना है। मैं जरूर ये जीवन के आखिरी वर्ष में मैं सोचता हूँ, आखिरी वर्ष माने आखिरी समय है, अब तो 90 पार कर गया हूँ तो आखिरी है, आपकी जरूरत है बहुत, अभी तो आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है देश को। मैं सच बताऊं कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ होती है कि नई पीढ़ी को हम दे क्या जा रहे हैं। यही चिंता है, नई पीढ़ी के सामने आज जो परिस्थिति है उस नई पीढ़ी को बहुत आंख कान खोल कर सुनना देखना समझना होगा जो है, उनके सामने बहुत सारे कचरा परोसे जा रहे हैं, इस कचरा से मुक्त कैसे हों, सही दिशा में कैसे आगे बढ़े जो है, सही माने में जो है देश को नया कैसे बनाएं, आज दुनिया की समस्याओं के संदर्भ में हमारा देश कैसा बने। असली गांधी जो जिसे कहा जाता है आज कि किस तरह से जो है ये गांधी का संदेश अपने देश में प्रयोग में आए तब तो दुनिया से बात कही जाए, सही बात है बिल्कुल, उसका तो प्रयोग ही नहीं हुआ जो है। मेरा इतना ही कहना है कि पूंजीवाद का प्रयोग हुआ, साम्यवाद का प्रयोग हुआ, लेकिन गांधी के विचार का सर्वोदय का तो प्रयोग ही नहीं हुआ, बिना प्रयोग किए ही हमने नकार दिया जो है, सही बात है। तो एक बार अब तो कोई रास्ता ही नहीं है बचा है, अब तो मजबूरी में प्रयोग होता, पहले स्वेच्छा होता अब मजबूरी है, तो मजबूरी में ही सही, विचार से नहीं माना तो मजबूरी से मान लो भैया। लेकिन आज जो है गांधी के विचारों को समझने और प्रयोग की बहुत आवश्यकता है पूरी दुनिया के लिए, कोई गांधी के पास हिंदुस्तान के पास संदेश है तो यही एक संदेश है कि दुनिया कैसे बची, दुनिया कैसे बची। अमरनाथ भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, गांधी दर्शन के ऊपर बात करना जी, और लगता है कि हमारा ये विचार है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और गांधी दर्शन को हम वापस से आप कहें कि एक बार नई पीढ़ी के अंदर स्थापित कर पाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे
मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार नमस्कार।